बागेश्वर काफी मेहनती और अपने काम में महारथी कुम्हार था। वो अपनी पत्नी मिताली और 1.5 साल की बेटी के साथ रहता था। बागेश्वर दुर्गा माता का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी पूजा अर्चना किए बिना वो पानी भी नहीं पीता था। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। कुछ साल पहले उसका पैर किसी दुर्घटना में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उसके पैर को हमेशा के लिए काटकर अलग करना पड़ गया था। अब वो अपाहिज की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो भगवान की सुंदर मूर्तियां बना करता और पत्नी मिताली के साथ मिलकर बाजार में बेचा करता था। उसी की कमाई से उसका घर चल रहा था। ये शिव जी की मूर्ति कितने की है भाई साहब? जी 60 रुपए की। अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं इसके 40 रुपए ही दूंगी। अरे नहीं बहन जी, भगवान जी की मूर्तियों के लिए झूठ थोड़ी बोलूंगा, 60 रुपए से कम में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है दे दो, ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई है। बागेश्वर और मिताली मूर्ति बेचने में ग्राहकों के साथ व्यस्त रहते हैं कि तभी उसकी छोटी सी बेटी घुटनों के बल चलते हुए रोड किनारे चली जाती है, लेकिन दोनों में से किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं जाता है। बच्ची सड़क किनारे चली जा रही होती है। भाई ये दुर्गा माँ की मूर्ति और ये फलों का गमला भी मुझे दे दो। तभी अचानक मिताली को अपनी बेटी की याद आई और वो उसे इधर उधर देखने लगी। अजी सुनिए, हमारी बेटी गौरी किधर चली गई? वो यहाँ नहीं है। क्या बात कर रही हो, किधर गई वो? तुम इधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। डर से मिताली की हालत खराब हो जाती है। वो भागते भागते रोड के उस पार जाती है तो दूर से ही उसे अपनी बेटी नजर आती है, जो सड़क किनारे आगे की ओर बढ़ती चली जा रही होती है। मिताली भागते हुए अपनी बेटी के पास जब तक पहुँचती है, तब तक वो बच्ची बस की चपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मिताली जोर जोर से चिल्लाती है, मेरी गौरी, मेरी बेटी, मेरी गौरी। तभी मिताली की आवाज सुनकर बागेश्वर की नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? गौरी, हमारी बेटी गौरी। क्या हुआ गौरी को? वो तो हमारे बीच में देखो आराम से सो रही है। मिताली ने गौरी को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तब बागेश्वर ने उसे पूछा कि उसने बहुत ही डरावना और भयावह सपना देखा, जिसमें गाड़ी की चपेट में आने से गौरी की मौत हो जाती है। तुम चिंता मत करो, माँ दुर्गा है ना हमारे साथ, वो हमारी बेटी को कुछ नहीं होने देंगी। लेकिन मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मत सोचो इतना, माँ दुर्गा पर विश्वास रखो, आखिरकार उन्हीं के आशीर्वाद से तो हमें बेटी की प्राप्ति हुई है। अब बिना किसी परेशानी के सो जाओ। दरअसल करीब 12 साल पहले मिताली और बागेश्वर की शादी हुई थी, लेकिन सालों बीतने के बावजूद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मिताली बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित रहती थी। तो वहीं बागेश्वर दिन रात माँ दुर्गा से अपने लिए संतान के लिए प्रार्थना करता रहता था। हमारी शादी को 10 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। लगता है मुझे माँ कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ दुर्गा पर विश्वास रखो, देर से ही सही, वो हमें संतान जरूर देंगी। अब और कितना इंतजार करूं, न जाने माता रानी का आशीर्वाद हमें कब प्राप्त होगा। बागेश्वर मिताली को दुखी देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता था। हे माँ, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा दे माँ, हमें भी संतान का सुख दे दो माँ, मुझे तो आपका ही सहारा है। माँ मुझे पता है कि आप मुझे संतान जरूर देंगी। माता रानी पर बागेश्वर का विश्वास रंग लाया। एक दिन मिताली घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसका सर घूमने लगा और उसे उल्टी भी आने लगी। अरे क्या हुआ मिताली, क्या हुआ तुम्हें? बागेश्वर मिताली को देखकर डर जाता है और जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ जब डॉक्टर ने मिताली को देखा तो वो मुस्कुराने लगे। भाई साहब डरने की कोई बात नहीं है,
बल्कि ये तो काफी शुभ समाचार है। क्या बात है डॉक्टर साहब? आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर बागेश्वर और मिताली खुशी से फूले नहीं समाते हैं और उनकी आंखें छलक जाती है। देखो मिताली, मैं कहता था ना कि माता दुर्गा हमें संतान जरूर देंगी। 9 महीने के बाद मिताली ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी को प्यार से गौरी बुलाने लगे। ऐसा लगता था मानो दोनों की जान उसी बच्ची में बसती हो। अरे गौरी बेटा, तू क्यों रो रही है? लगता है तुम्हें भूख लगी है। तेरी माँ अभी आ रही है। जानती है, तुम्हें माँ दुर्गा ने हमारे पास भेजा है। वो बहुत दयालु हैं। उनका नाम भी गौरी है, तभी तो हम तुम्हें प्यार से गौरी बुलाते हैं। अरे इसे जो आप बात सुना रहे हैं, इसे क्या समझ आएगा? थोड़ी बड़ी हो जाए तो ढेरों कहानियां सुनाना इसे। समय बीतता गया और देखते देखते गौरी 1.5 साल की हो गई। वो घुटनों के बल चलने लगी थी। और इसी बीच एक रात को राधा ने वो बुरा सपना देख लिया, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। हमेशा उसके मन में डर सा लगा रहता था और इसी की वजह से वो एक पल के लिए भी अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। लेकिन एक दिन जब मिताली रसोई घर में खाना पका रही थी और बागेश्वर हमेशा की तरह बैसाखी के सहारे मिट्टी को पैरों से गूंद रहा था और अपनी आंख बंद करके माता रानी के भजन गा रहा था कि तभी रसोई घर के चटाई पर लेटी उसकी बेटी उठकर बाहर निकल गई। मिताली का ध्यान उस पर नहीं गया। वो घुटनों के बल चलते हुए बागेश्वर के करीब आ गई, लेकिन बागेश्वर तो अपनी आंख बंद करके माता के भजन गाने में मगन था। वही गौरी मिट्टी के ढेर पर चढ़ गई और बागेश्वर के पैरों और बैसाखी के नीचे आ गई। लेकिन बागेश्वर को इस बात का तनिक भी एहसास ही नहीं हुआ। वो मगन होकर अपना काम करता रहा और गौरी उसकी बैसाखी और पैरों के नीचे आकर दबी जा रही थी। वो खून से लथपथ हो गई। बागेश्वर के पैर और मिट्टी भी बच्ची के खून से सन गए, लेकिन अब तक बागेश्वर को इस बात का एहसास नहीं हुआ था। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, ओ मैया ऊंच भवन में होती है तेरी जय जयकार। जय माँ दुर्गे, आपके भजन गाने में जो आनंद मिलता है वो कहीं और किसी काम में नहीं मिलता है माँ। उधर मिताली ने देखा कि रसोई घर से उसकी बेटी गायब है तो चिंतित हो गई। वो भागी भागी बाहर आई और बाहर का वो ये नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया? मिताली करा करा कर रोने लगी। तभी बागेश्वर ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ मिताली, तुम रो क्यों रही हो? आपने हमारी नन्ही सी बच्ची की जान ले ली। बागेश्वर ने जब नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। हे माता रानी, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी ये बच्ची की जान ले ली। माँ, मैं तो आपकी भक्ति में लीन था, ये क्या कर दिया मैंने माँ? आप अपनी माता रानी के भजन में मगन रहे और हमारी बच्ची यमराज के पास चली गई, अब मैं क्या करूंगी? मिताली, हमारी बच्ची यमराज के पास गई है तो वापस भी आ जाएगी। माता रानी स्वयं हमारी बच्ची को हमें वापस देंगी। उन्हें हमारी बच्ची वापस देनी ही होगी, नहीं तो हम भी अपने जीवन का त्याग कर देंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मृत्यु के बाद कोई वापस आता है क्या? आएगी, जरूर आएगी। हमारी बेटी को माता रानी जरूर वापस लाएंगी। उसके बाद बागेश्वर और मिताली दोनों माता रानी की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर बैठ गए और रोते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे। हाँ माँ, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी कृपा से हर कार्य संभव है। आपने हमें लंबे इंतजार के बाद बेटी का सुख दिया है, उसे आप वापस नहीं ले सकती माँ। आपको मेरी बच्ची लौटानी ही होगी, नहीं तो हम भी अपने प्राण न्योछावर कर देंगे माँ। आपको हम पर तरस खाना ही होगा माँ। माँ, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो माँ, मेरी बेटी को जीवित कर दो माँ, नहीं तो हमारी भी जान ले लो माँ। इसके बाद दोनों ने उसी मिट्टी के ढेर में जाकर अपने आप को दबा लिया। बस दोनों का थोड़ा सा सर बाहर था जिसे वो सांस ले पा रहे थे। हे माता रानी, मैंने तो सच्चे दिल से आपकी भक्ति की है, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, लेकिन लगता है मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई माँ, जिसका परिणाम इस तरह से मुझे मिल रहा है।
हमें जीवित रहने का अब कोई हक नहीं माँ। दोनों को सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी थी कि तभी माता रानी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बागेश्वर, अपनी आंखें खोलो पुत्र, तुम दोनों इस मिट्टी से बाहर आओ। हे माँ, आखिरकार आपने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। मुझे विश्वास था माँ, आप जरूर आएंगी। तुम मेरे सच्चे भक्त हो बागेश्वर, इसीलिए मुझे तो आना ही था। लेकिन माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? मैंने खुद ही अपने बच्चे की जान ले ली। तुम चिंता मत करो पुत्र, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। वो देखो वहाँ, तुम्हारी बच्ची जीवित है। बागेश्वर और मिताली ने देखा कि उसकी बेटी जीवित है और खेल रही है। वो खुशी से फूले नहीं समाए। देखा मिताली, मैंने कहा था ना कि माता रानी हमारी बच्ची हमें जरूर वापस कर देंगी। माता रानी की जय हो। उन दोनों की खुशियां लौटाकर माता रानी अंतर ध्यान हो गई। अब बागेश्वर माता रानी के आशीर्वाद से सुखी संपन्न हो गया। उसने अपने दरवाजे पर ही माता रानी का सुंदर सा मंदिर बनवाया और दिन रात सेवा करने में लग गया। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।